नमस्कार। वडोदरा शहर के सयाजी हॉस्पिटल में काम करने वाले 43 लैब टेक्नीशियन जो कि पिछले 5 साल से ड्यूटी पर है, उन्हें स्थायी न किए जाने पर मेडिकल कॉलेज और सयाजी हॉस्पिटल के अधीक्षक को आवेदन पत्र सौंपा गया। 43 साल से अधिक समय से वडोदरा के सयाजी हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में कुल 45 व्यक्ति प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में काम कर रहे हैं। वर्ष पूरा होने के अतिरिक्त 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी इन 43 व्यक्तियों को स्थायी नहीं किया गया। इस मामले को बार बार लिखित रूप में और गांधीनगर में एक व्यक्ति द्वारा उठाया गया था, हालांकि इस समस्या को अभी तक हल नहीं किया गया है। इसने इन सवालों को पहले जून में भी पेश किया था, जिसका समाधान नहीं हुआ है। इसलिए आज एक प्रयोगशाला तकनीशियन द्वारा एक काली पट्टी बांध दी गई और मेडिकल कॉलेज और SSG हॉस्पिटल के अधीक्षक को एक आवेदन पत्र सौंपा गया। एक्चुअली एवं है कि अमार 5 वर्ष पूरा थे कायमी करवाना होय छे, परंतु अमार 7-8 वर्ष ऊपर थी गयु है, छता भी अमे कायमी ऑर्डर थी वंचित छे, जेना कारण अमने प्रदर्शन करव पड़े छे। विरोध अमे टोटल 43 जन छे वडोदरा खाते, अने समग्र गुजरात में 451 छे एवा अलग अलग मेडिकल कॉलेज में। विरोध अमे काळी पट्टी धारण करीने दर्शाव्यो छे। અમે હજુ આગળના સમયમાં અલગ અલગ પ્રકારના આંદોલન કરીશું। મારું નામ પિયુષ એસ તડવી। 2012-2013ની ભરતી થયેલી હતી, અમે બધા એમાં જોબ જોઈન કરી હતી, અમારી ભરતી થઈ હતી। 5 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા છે તો પણ પરમનન્ટનો ઓર્ડર નથી આવ્યો, અમારા બધા ભથ્થા અમને મળતા નથી, એ અમારું નુકસાન છે, એટલા માટે આંદોલન ચાલુ રાખ્યું છે। ગુજરાત ગવર્મેન્ટને, જેમને અમને આ જોબ આપી છે એમને જ। અમને બધાને પરમનન્ટ કરે, અમારા જે પણ અમારા ભથ્થા છે એ બધા આપે। મોંઘવારી ને બધું તો અટકતું નથી, એની સામે અમારી પૂરેપૂરી સેલેરી નથી આવતી, તો અમને પણ એ બધી વસ્તુ નડે છે, અને સામે કામ તો અમારું ઓછું થઈ જ નથી રહ્યું, કામ તો વધી જ રહ્યું છે, અને કોવિડમાં તો ઓર વધારે કામ વધી ગયું છે। તો બસ અમારી એ છે કે અમારી માંગ સાંભળો, અમારી સામે પણ જુઓ।